हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी, ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज राइट आंसर, क्योंकि हड्डियों का अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 300, 270, 306, 206। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 206 इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। 206 हड्डी पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि बच्चे के शरीर में कुल कितनी अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता 300। हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाता 300 इज राइट आंसर हो जाता, बच्चों में 300 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा यहाँ पर, अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है। तो अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 126, 29, 80 और 33। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80। 80 इज राइट आंसर। हमारा जो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है वो 80 होती है, 80 हड्डियों की संख्या होती है उसमें। हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उपांगीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो अपेंडिकुलर होता है, अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र होता है हमारा, उसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 126। 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारी, जो अपेंडिकुलर होता है उसमें हड्डियों की संख्या। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी, यहाँ पर पाँच, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फीमर, स्टेपिसी, मैंडिवल एंड टीबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फीमर। फीमर इज राइट आंसर, फीमर इज राइट आंसर। ये हड्डी जांग में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ये जांग में पाई जाती है। और जो स्टेपिसीज होती है वो कान में पाई जाती है, मैंडिबल होती है जो मुंह के जबड़े में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर इज राइट आंसर, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिकों से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, मानव शरीर की, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 565, 400, 665, 639। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 639। हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल मांसपेशियों की संख्या होती है वो होती है
639. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जो सातवां क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्लोबिन, ओसिन, एक्टिन व मायोसिन, हेपेरिन। तो आप जानते हो कि जो हमारी मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन होती है वो एक्टिन वे मायोसिन प्रोटीन होती है। तो इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अस्थियां बनी हुई होती हैं, यानी हमारी बोन किससे बनी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पर ऑप्शन है कैल्शियम, फॉस्फोरस, ए एंड बी बोथ, नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर दोनों ए एंड बी राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बोथ सी यानी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ कैल्शियम फास्फोरस दोनों से बनी हुई होती हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों से बनी हुई होती हैं, दोनों से बनी हुई होती है हमारी कैल्शियम और फास्फोरस से बोन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास अस्थियों में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों में। ऑस्टियोसाइट अस्थियों में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा